नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564409906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी, स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीएससी और आरओआरओ के कुछ करंट रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे लेखपाल के कोर्सेज और आपका उत्तराखंड पीएससी के भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो उनको भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, 100 करोड़ टीकों का ऐतिहासिक मुकाम है जो वो 278 डेज यानी कि 9 महीने में प्राप्त करके पूरे विश्व के समक्ष एक कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है 100 करोड़ टीके और दिन कितने, 278। अलग से भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है यूपीपीएससी में, या फिर 9 महीने। ठीक है, कोरोना वायरस के मामले में 100 करोड़ टीकों का आंकड़ा पार करने वाला भारत चीन के बाद दूसरा देश है, तो ये पार्ट भी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि 278 डेज में अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा टीके किसने लगवाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है तो भी उत्तर प्रदेश आंसर लगेगा। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक टीकों की अगर बात करते हैं तो सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश है, इसका तो आप आंकड़ा भी याद कर लीजिए, 9.43 करोड़। ठीक है, इन 270 स्टार्टिंग के 9 महीने की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका महाराष्ट्र, फिर आएगा आपका वेस्ट बंगाल, फिर आएगा गुजरात, फिर MP और फिर बिहार। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस रहेगा। तो फिलहाल आपको जो याद रखना है वो उत्तर प्रदेश याद रखना है, आंकड़े याद रखने हैं, दिन याद रखने हैं 278। ठीक है, और दूसरा देश बन गया चाइना के बाद। ठीक, ये इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, पूर्ण टीकाकरण की दिशा में तेजी लाने के लिए कौन सा मेगा वैक्सीन प्रोग्राम है, जो अभियान है जो वो केंद्र सरकार के द्वारा है, जो वो कौन सा है जो शुरू किया गया। ठीक है, सुरक्षा अभियान, दस्तक, चक्रव्यूह या लक्ष्य, तो आंसर है इसका दस्तक अभियान, बी आंसर। अगला देखें, कृषि उड़ान 2.0 योजना है जो, उसके तहत निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, कृषि एवं विमानन के सम्मेलन से आपके A2A का मतलब एग्रीकल्चर टू एविएशन, ठीक है, इस मॉडल पर विकसित करके अन्नदाता है जो उसको उच्चतम स्तर तक ले जाने की बात कही गई है। ठीक है, तो सही है स्टेटमेंट। और दूसरा देखिए, योजना को प्रारंभ में 6 माह तक जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ही प्रायोगिक आधार पर लागू किया जाने पर आवश्यक संशोधन इसमें किए जाएंगे। ठीक है, तो कौन लागू करेगा स्टार्टिंग में इसको, अभी उड्डयन मंत्रालय। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी ये मॉडल कौन सा है, A2A मॉडल। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर है। अगला देखें, 2022 में IPL के 15वें सत्र में 8 टीमों की बजाय इस बार कितनी है, 10 टीमें हैं, तो बताना है आपको वो दो कौन सी हैं जो नई हैं इस बार, लखनऊ है, अहमदाबाद है या पुणे है, तो आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ एंड अहमदाबाद, 1 and 2A आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, सुभाष चंद्र बोस ने अपने स्वतंत्रता संग्राम के तहत देश की आजादी की घोषणा करते हुए अंतरिम आजाद हिंद सरकार का गठन किया, कब किया, 21 अक्टूबर 1943 में, कहां किया, सिंगापुर में किया। ठीक, तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखें आप, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ क्या है, 21 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, 78th वर्षगांठ मनाई गई है अभी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक, तो क्योंकि अभी रिसेंटली ये न्यूज में है तो आने के चांसेस बनते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इस चीज को। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है, नेताजी के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रहे मलेशिया में भी ये उत्सव मनाया गया। ठीक है, तो अगर पूछ लें कि भारत के अलावा कहाँ मनाया गया है, तो मलेशिया में मनाया गया है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, हाल ही में भारत सरकार ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम, ठीक, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर है जो उसकी जगह कितना कर दिया है।
ठीक है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो, उसका पहले क्या था कि जो बॉर्डर है उससे 15 किलोमीटर तक BSF देखता था उसको, तो उसको अभी बढ़ा करके कितना किया, 20, 30, 40 या 50, तो इसका आंसर है आपका 50 किलोमीटर कर दिया है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक फैक्ट इसमें और याद रखिए कि गुजरात वाला जो बॉर्डर है ठीक है, उसमें क्या है कि 80 था पहले, 80 किलोमीटर तक BSF देखता था, तो इसको घटा करके 50 किया गया है। ठीक है, बाकी जगहों पर बढ़ाया गया है, 15 किलोमीटर था बाकी जगहों पे, तो वहां से बढ़ा करके कितना कर दिया, 50। ठीक है, और यहाँ 80 था तो घटा करके 50 किया गया। ठीक, तो आंसर डी। अग्नि 5 है जो, ये मिसाइल है जो, इसके बारे में कुछ कथन है। देखिए, यह 5000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने में सक्षम स्वदेशी मिसाइल है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, यह मिसाइल सतह से हवा पर मार करने वाली है अग्नि, गलत हो गया क्योंकि सतह टू सरफेस टू सरफेस है, ठीक है, सतह से सतह। तो तीसरा देखते हैं, यह न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता के लिए बनाई गई नीति के अनुरूप है और इसमें क्या है, नो फर्स्ट यूज के लिए ये प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। तो ये वाला पार्ट सही है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। अगला देखें, हाल ही में भारत ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी का बम, ठीक है, LBR लॉन्ग रेंज बम का सफल परीक्षण किया है, कब किया। ठीक है, UPPCS में डेट्स वगैरह इस तरह के रिसेंट अगर कुछ हुआ है तो उसकी डेट पूछ लेते हैं। ठीक है, 29 अगस्त 2021, 29 सितंबर 2021, 29 अक्टूबर 2021 या नवंबर 2021। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 29 अक्टूबर 2021। ठीक है, अच्छा ये एक चीज और जो इसमें याद रखेंगे वो है कि इसका परीक्षण किसने किया है, इसका परीक्षण किया है आपके DRDO एंड एयरफोर्स ने मिलकर, एयरफोर्स। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, तुशील क्या है, DRDO के द्वारा विकसित मिसाइल है, स्टेल्थ फ्रिगेट है भारतीय नौसेना का, या वायुसेना का हेलीकॉप्टर है, या DRDO के द्वारा विकसित एक टैंक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय नौसेना का एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, याद रखनी है। इसके अलावा दो चीजें और, एक इसकी लॉन्च कब हुई है और दूसरी ये कहाँ पर निर्माण हुआ है इसका, तो मतलब हो रहा है अभी, तो निर्माण है जो वो इसका रूस में जो कैलिनग्राद है वहां के यंत्र शिपयार्ड में, ठीक है, यंत्र शिपयार्ड में हो रहा है, तो यंत्र नहीं बस आप रूस याद रखिए। ठीक है, और इसके अलावा जो इसकी लॉन्च डेट है वो है 28 अक्टूबर 2021। ठीक है, बी आंसर। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा विध्वंसक युद्ध पोत है जो वो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या 4 की सीरीज है। ठीक है, कौन सी परियोजना है, ये है आपकी P-15। ठीक है, इस परियोजना के तहत टोटल 4 हैं युद्ध पोत। ठीक है, तो कौन सा है जो अभी शामिल किया गया, ये चारों, ये जो नाम दिए यही 4 हैं, याद रखिएगा, विशाखापट्टनम, मुर्मुगांव, इम्फाल और पोरबंदर, ये इनके नाम है। ठीक, तो अभी जो शामिल किया गया वो है विशाखापट्टनम, आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, आसियान का अभी एक जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें क्या 39th अभी हुआ है जिसमें 38th को भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं, 39th शिखर सम्मेलन है जो वो कहाँ हुआ है, ब्रुनेई में। ठीक है, ब्रुनेई ने उसकी मेजबानी की है लेकिन हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, 38th को उसमें शामिल किया गया था, दोनों स्टेटमेंट सही। और तीसरा देखिए, आसियान का जो 36th और 37th था ये कहाँ हुए हैं, वियतनाम की मेजबानी में। ठीक है, तो अभी वाला और इससे जस्ट पहले वाला ये आपको याद रखने होते हैं। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, ये वाला वियतनाम में है, आंसर है इसका डी, तीनों ही यहाँ पर सही है। अच्छा, इसमें क्या आसियान से रिलेटेड, तो आपका नैतिक धर्म क्या बनता है कि आसियान के जो 10 देश हैं उनके नाम आप याद कर लें। तो देखिए, आसियान में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ठीक है, थाईलैंड है, उसके अलावा फिलीपींस है, वियतनाम है, ब्रुनेई है, ठीक है, ब्रुनेई, कॉम्बोडिया है, उसके अलावा म्यांमार है और लाओस है। ठीक है, इतने देश हैं, ये देशों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है यथा उसका वार्ता साझेदार है, बिल्कुल सही। और आसियान के जो 10 वार्ता साझेदार देश हैं उसमें भारत के अलावा कौन है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चाइना है, दक्षिण कोरिया है, न्यूजीलैंड है, रूस है, अमेरिका है और यूरोपियन संघ है। ठीक, तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का नया भूमि का सीमा कानून है जो वो भारत के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय बना हुआ है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, चाइना का या भूटान का। तो देखिए आंसर है इसका चाइना। ठीक है, टोटल चाइना है जो वो 14 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो जिसमें से 12 के साथ वो अपने समझौते कर चुका है। अब जो चाइना और भूटान ये 2 बचे हुए हैं, ठीक
ठीक है। तो इनके साथ अभी बाकी है, इनके साथ अपने जो इन्होंने अपना नया कानून बनाया तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए मैटर ऑफ कंसर्न जो है वो बना हुआ है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो भूटान से भी तो शेयर करता है अगर चाइना का करता है तो, ठीक है। तो कुछ एरियाज हैं जो क्लैश में हैं, ठीक है। अगला देखें, अक्टूबर माह में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री थे जो वो भारत आए थे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इटली या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क के, ठीक है। तो डेनमार्क के नाम क्या है वो भी याद रखिए, मैट फ्रेडरिक्सन, ठीक है, मैट फ्रेडरिक्सन, ठीक है, बी आंसर। अगला देखें, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 निम्नलिखित में से किस देश में प्रस्तावित है, कंबोडिया में, मलेशिया में, फिलीपींस में या सिंगापुर में। तो आंसर है इसका कंबोडिया में। कंबोडिया में कहां पर, नाम पे, ठीक है। अगला देखें, G20 शिखर सम्मेलन के जो आयोजन स्थल है उससे संबंधित कौन से कथन जो है वो सही सुमेलित हैं, ठीक है। देखिए 16th वाला जो है वो अभी कहां पर हुआ है, रोम इटली में, ठीक है। कब हुआ है, 30-31 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। इससे पहला वाला जो था वो आपका ऑनलाइन हुआ है, ठीक है, कहीं नहीं हुआ वो, ठीक, ऑनलाइन हुआ है रियाद में, उसको प्रस्तावित था कि होना है लेकिन हुआ नहीं, तो इसलिए ये हो गया गलत। और 14th वाला जो था वो आपका ठीक है, ओसाका जापान में हुआ, ठीक। तो ये सही, तो 1 और 3 यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में अंतरिम सरकार का तख्ता पलटकर सेना ने सत्ता को पर कब्जा कर लिया, नाइजीरिया, सूडान, बहरीन या कांगो। तो आंसर है इसका सूडान, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या, 1956 में आजाद हुआ और उसके बाद से 8 बार इसमें तख्ता पलट हो चुका है, ठीक है, बी आंसर। अगला देखें, हाल ही में निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा समझौता हुआ है, चाइना और नेपाल के बीच, चाइना और भूटान के बीच, चाइना रूस के बीच या चाइना जापान के बीच। तो अभी रिसेंटली आपका चाइना और भूटान के बीच हुआ है, तो बी आंसर। अगला देखें, अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग ये निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसमें से 3 अंतरिक्ष यात्री हैं जो वो भी 6 महीने के बाद वहां से वापस आए हैं, ठीक है, तो इसलिए अभी न्यूज में भी है। तो आंसर क्या है इसका, चाइना का है, जापान का है, दक्षिण कोरिया या उत्तर कोरिया। तो आंसर है इसका चीन, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एक फिल्म है चैलेंज, ठीक है। तो चैलेंज एक ऐसी फीचर फिल्म हो गई है जिसके किसी दृश्य की शूटिंग है जो कहाँ हुई है, आउटर स्पेस में जाकर के हुई है, स्पेस में गए थे शूटिंग करने के लिए, ठीक, सही है। दूसरा देखिए, ये एक अमरीकी फिल्म है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये एक रूसी फिल्म है, रशियन है, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस कौन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1 ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए लूसी नामक अंतरिक्षयान, ठीक है, याद रखिएगा लूसी नाम है, ठीक है, कितने साल के लिए, 12 साल के लिए मिशन पर भेजा, सही है। और ये करेगा क्या वहां पे, जो बृहस्पति ग्रह के, जुपिटर के जो 8 शुद्ध ग्रह हैं उनके रहस्यों पर पर्दा उठाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति पद के लिए शावकत मिर्जियोयेव, ठीक है, शावकत मिर्जियोयेव दोबारा से 5 साल के लिए निर्वाचित हो गए, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और ये क्यों है स्टेटमेंट, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उज्बेकिस्तान में इस चुनाव के लिए भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनका नाम है सुशील चंद्रा, वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित थे, ठीक, तो ये सही है। और उज्बेकिस्तान के जो केंद्रीय चुनाव आयोग के आमंत्रण पर इस पर्यवेक्षक के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बना था और उसका जो हेड थे वो आपके सुशील चंद्रा थे, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, भारत 5 वर्षों के नए कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका, वैसे तो ये सब कुछ सही है लेकिन यहाँ पर 5 सालों के लिए नहीं हुआ है, ये 3 सालों के लिए होता है, ठीक है, 3 सालों के लिए, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, 193 सदस्य महासभा में है टोटल, उसमें से 184 ने है जो भारत के पक्ष में वोट दिया है, ठीक है, और ये 6ठा कार्यकाल है भारत का जिसके लिए ये निर्वाचित हुए हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में मॉनेटरी रेट्स जो डिसाइड किए गए हैं आरबीआई के द्वारा उसमें बताना है आपको कौन सही सुमेलित है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछेगा तो बता देगा कि हम कब के रेट्स पूछ रहे हैं, ठीक है।
मोस्टली ये क्या मोस्ट रिसेंट वाले ही पूछते हैं ठीक है, लेकिन अगर कभी आगे पीछे के भी पूछने होंगे तो वो वहाँ पे मेंशन कर देंगे, आपको उसी हिसाब से बिहेव करना है ठीक है। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो 3.35, बैंक रेट 4.25 और आपका CRR है जो वो 4% है ठीक है। इसके अलावा SLR है जो वो भी याद कर लीजिए, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, 18% है ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, चारों सही है। अगला देखें, 2021-22 की पहली छमाही में वस्तुगत निर्यातों व आयातों में क्रमशः कितने परसेंट की वृद्धि हुई है ठीक है। तो कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली 57.53% और जो है आपका निर्यात और आयात का डेटा क्या है 81.67% ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में जारी नीतिगत सुधारों एवं कारोबारी सुगमता के अनुसार 2021-22 के पहले 4 महीने जो थे उसमें देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, मतलब जितना भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री में, तो उसमें पूछ रहे हैं कि स्टार्टिंग 4 मंथ्स में कितनी की वृद्धि हुई है, 42%, 52%, 62% या 72%। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका 62%, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है याद रखिएगा नाम क्या है, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इसके तहत क्या है एक डिजिटल प्लान बनाएंगे और रोड को और आपका जो रेलवेज है इनको, इनके समेत 16 मंत्रालय हैं इनके साथ में समन्वय स्थापित करेगा ठीक, सही स्टेटमेंट है। और प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है जो वो विभिन्न विभागों में तालमेल हो सकेगा उसके माध्यम से, और संसाधन है जो उनका आदर्श इस्तेमाल हो सकेगा ठीक है। तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका जो है सही तरीके से यूज हो सकेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि दो जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको ही आपस में कई बार एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता, तो ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन की यहाँ पर कमी है, तो इसकी वजह से गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है वो बनाया गया, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस महारत्न कंपनी को, ये सारी महारत्ना कंपनीज हैं, अभी रिसेंटली अक्टूबर 2021 में महारत्ना का स्टेटस है जो वो मिला है, किसको मिला है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को, या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को, तो आंसर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है वो अक्टूबर 2021 की स्थिति के अनुसार नवरत्ना कंपनी है ठीक है, MTNL, NMDC या HAL, तो देखिए तीनों ही है जो ये आपकी नवरत्ना की कैटेगरी में आती हैं, इनके सबके फुल फॉर्म्स हैं जो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो, उसने भारत में 2021-22 में GDP वृद्धि का पूर्वानुमान है जो वो 11 से घटा करके कितना कर दिया था, 9%, 10%, 8% या आपका 7%, तो आंसर है इसका 10% कर दिया था 11 से घटा करके, किसने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अगला देखें, भारत की 2015 से 20 की जो विदेश व्यापार नीति है उसकी अवधि में कितने दिनों की वृद्धि हो गई है, 1.5 साल की, 1 साल की, 6 महीने की या 3 महीने की, तो उसकी 6 महीने की वृद्धि कर दी है और अभी ये 31 मार्च आपकी 2022 तक के लिए है ठीक है, 2022, तो आंसर सी। अगला देखें, PM मित्र योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है, महिला एवं बाल विकास से संबंधित है, इंश्योरेंस सेक्टर से, या फिर वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र से, तो मित्र योजना है जो ये आपकी वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र से संबंधित है। मित्र की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी मेगा इंटीग्रेटेड ग्रेटेड टेक्सटाइल ठीक है, टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल ठीक है, ठीक है, MITRA ठीक, मित्र योजना। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो उसमें 116 देशों में से जो भारत है वो आपका 101वां स्थान रखता है ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा देखिए, भारत का जो हंगर इंडेक्स है वो है कितना, उसका मान है टोटल 27.5 और क्योंकि उसका मान इतना है तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, सीरियस कैटेगरी में ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। अब आपको क्या है कि देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेकर के अगर 9.9 तक है ठीक है मान उसका, मतलब वैल्यू, तो उसमें क्या है कि वो लो कैटेगरी में आता है ठीक है, लो में, और अगर वो 10 से लेकर के आपका 19.9 तक है तो वो मॉडरेट की कैटेगरी में आता है, 20 से लेकर के 34.9 तक है तो वो आपका सीरियस कैटेगरी में आता है, और 35 से लेकर के आपका 49.9 तक है तो वो अलार्मिंग स्टेज में आता है, अलार्मिंग, और इसके अलावा अगर वो 50 से लेकर के 50 एंड अबव ठीक है
एंड अबव, तो उस केस में तो मामला एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। ठीक, तो ये इसके मानक हैं। तो जैसे कल पूछ लेते हैं कि इसका ये मान है, तो भी आप अंदाज लगा लें कि ये सीरियस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो सी अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसका पुनर्गठन है जो 2 साल के लिए 27 अक्टूबर 2021 को किया गया। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा देखें, इस परिषद के दो अध्यक्ष पद पर नीति आयोग के सदस्य नीलकंठ मिश्र को रखा गया, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसके जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं आपके विवेक देबरॉय हैं, तो हालांकि वो भी नीति आयोग से, तो वो पहले भी वही थे विवेक देबरॉय। ठीक है, और अब वो क्या कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, विवेक देबरॉय, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1A आंसर। अगला देखें, भारत अमेरिका आर्थिक एवं वित्तीय साझेदारी की जो 8वीं बैठक है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर अभी संपन्न हुई है। वॉशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में, न्यू दिल्ली में, या फिर आपके बेंगलुरु में, तो आंसर है इसका Washington DC, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, अमित खरे, संदीप सिंह, अरुण कुमार गोस्वामी, या फिर राजेश बिंदल, तो आंसर है इसका अमित खरे। ठीक है, कौन है प्रधानमंत्री के नए सलाहकार, अमित खरे। अगला देखें, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का जो कार्यकाल है उसको अभी बढ़ाया गया, तो कितने साल बढ़ाया गया, 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल, तो देखिए उसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, एक नया कार्यकाल फिर से मिल गया उनको। ठीक, तो अभी क्या है 10 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ गया। ठीक है, पहले वो 10 दिसंबर 2021 में रिटायर हो रहे थे, अब 24 तक बढ़ गया। अगला देखिए, हाल ही में नियुक्त किए गए उच्च न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनमें कौन सही सुमेल लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में आपके अरुण कुमार गोस्वामी, और हिमाचल में मोहम्मद रफीक, इलाहाबाद में न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है वो तीनों ही हैं वो सही सुमेल लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखें, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सही सुमेल लेते हैं। PTI के चेयरमैन अविक सरकार, भारतीय बैंकिंग संघ के चेयरमैन, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं अलग से भी। ठीक है, AK गोयल, और उसके अलावा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष देवव्रत मुखर्जी। ठीक, तीनों ही सही हैं, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, 2021 में रोटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है उसका टाइगर पुरस्कार किसको मिला है। ठीक है, तमिल मूवी है, आंसर है इसका पुष्पा, कुंजगल, असुरन या मनाडू, तो आंसर है कुंजगल। कुंजगल है जो ये आपकी ऑस्कर के लिए भारत की ओर से जो आधिकारिक प्रविष्टि है वो है। ठीक है, और इसके डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस हैं जो, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला देखें, उपन्यासकार हैं डैमन गलगुट। ठीक है, इनको 2021 का बुकर प्राइस मिला है। ठीक है, तो वो किस देश से संबंधित है ये पूछा जा रहा है, अमेरिका के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं, रूस के हैं, या आपके जर्मनी के हैं, तो आंसर है इसका दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। ठीक है, तो अब पूछ लें कि किस उपन्यास के लिए मिला है, तो उपन्यास का नाम जरूर याद रखिएगा, द प्रॉमिस, प्रॉमिस। ठीक है, द प्रॉमिस। अगला देखें, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 है जो, वो निम्नलिखित में से किसे दिया गया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, शर्मिला देवी को, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक्सीलेंस के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है, और ये दिया गया है आपके डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा, आंसर ए। अगला देखें, 2021 का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो पहले आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है, तो उसमें कितने लोगों को दिया गया। पहले क्या है कि 4 साल में जो आदमी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता था उसको दिया जाता था, लेकिन पहली बार है ऐसा कि इस बार मतलब कई लोगों को दिया गया है, तो कितने लोग हैं वो आपको बताने हैं, 10, 11, 12 या 13, तो टोटल इस बार क्या है 12 लोगों को दिया गया है ये। ठीक है, पहली बार है इसलिए याद रखिएगा, सी आंसर। अगला देखें, 2021 के जो अर्जुन अवार्ड विजेता हैं उनमें से कौन अपने क्षेत्र के साथ सही सुमेल लेता है। अरविंदर सिंह हॉकी खेलते हैं, सिमरनजीत आपकी कौर हैं जो वो क्रिकेट खेलती हैं, वंदना कटारिया हॉकी खेलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रहे हैं गलत वाला, ठीक, सुमेलित नहीं है। ठीक, तो अरविंदर सिंह हैं जो वो आपके हॉकी नहीं खेलते, अरविंदर सिंह एक एथलीट हैं। ठीक, और सिमरनजीत कौर हैं जो ये क्रिकेट नहीं खेलती, ये आपकी मुक्केबाजी, मुक्केबाज हैं। ठीक है, मुक्केबाजी, और वंदना कटारिया है जो ये हॉकी के हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए वंदना कटारिया किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, उसका भी एग्जाम आने वाला है क्योंकि, तो 1 and 2 ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता में से कौन से कोच हैं जो वो अपने क्षेत्र के साथ सही सुमेलित हैं। सरकार तलवार,
आपके क्रिकेट से संबंधित हैं, ठीक है। ये अभी क्या द्रोणाचार्य किसको मिलता है, कोच को मिलता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक। तो सरकार तलवार क्रिकेट से हैं, सतपाल सिंह हॉकी से हैं और अशांत कुमार आपके कबड्डी से हैं, ठीक। तो इनको मिला है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार है जो, ये किसको दिया गया, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है, सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को दिया जाता है, सेवानिवृत्त कोचों को दिया जाता है। तो देखिए ये बेसिकली क्या है, उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो रिटायरमेंट के बाद भी अपने खेल को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये अभी पांच लोगों को दिया गया है, ठीक है, पांच लोगों को दिया गया, तो उनके पांचों के नाम एक बार आप बस पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वाधिक प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय के लिए 1956-57 से आपका माका ट्रॉफी दी जाती है ना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और इस बार किसको दी गई है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी को 2021 के लिए, ठीक है, 2021 के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी को दी गई, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किस संस्थान को नवाजा गया है, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, DRDO, इसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है जो वो हो जाएगा आपका DRDO, और किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो अगर पूछ लें कि आर्यभट्ट पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है तो ये आंसर लगेगा, और अगर पूछे किसको दिया गया तो आंसर ये लगेगा जो अभी लगाया है आपने, ठीक, DRDO। अगला देखें, प्रसिद्ध व्यक्ति पुनीत राजकुमार हैं जो अभी 46 इयर्स के थे, जिनको अभी हृदयघात से निधन हो गया, ठीक है, तो वो किस क्षेत्र से थे ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ऑब्लिट्री से भी आता ही है, ठीक। अभिनेता थे, वायलिन वादक थे, DRDO के पूर्व निदेशक थे या लेखक थे, ठीक, तो आंसर है इसका ए, अभिनेता थे, ठीक, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित भारतीय या फिर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने अभी नोबेल पुरस्कार पाए हैं, तो उनमें से मतलब अभी क्या आज तक, ठीक, तो उनमें से कौन सही सुमेलित है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अभिजीत बैनर्जी हैं जो, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नहीं मिला, इनको आपको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है इनको, ठीक है, इकोनॉमिक्स। उसके अलावा कैलाश सत्यार्थी को पीस का, अच्छा कब मिला है, 2019 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को पीस के लिए मिला था 2014 में, ये सही है। और उसके बाद हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए आपका 1968 में, ठीक है, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3, ठीक है। इनके डेट्स भी आपको याद रखने, कैलाश सत्यार्थी का याद रखिए 2014, भले इनका ना याद रखें लेकिन इनका आपको फील्ड जरूर याद रखना है, 2014 आपका कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी 2019 इकोनॉमिक्स, ठीक, 2 और 3 आंसर हो जाएगा, आंसर बी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं, जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।